प्रैक्टिसन स्टार्ट। महोदय, कोविड ने दुनिया को बदल कर रख दिया, यह हम सभी जानते हैं कि इससे मानव जीवन की विनाशकारी क्षति हुई, लेकिन इसने एक मौन आंदोलन को भी जन्म दिया जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों में स्थानांतरित होने लगे और उन्होंने शांत व धीमी गति वाले जीवन को चुना। मैंने खुद ऐसा किया। मैं एक छोटी घाटी शहर देहरादून में स्थानांतरित हो गई हूँ। हालांकि मैं इन दोनों शहरों में आती जाती रहती हूँ, लेकिन अब मैं अपना ज़्यादातर समय देहरादून में ही बिताती हूँ, जो एक छोटा अनोखा शहर है और शैक्षणिक संस्थानों, सेना और सेवानिवृत्ति लोगों का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन हवा अपेक्षा साफ है। कोविड के दौरान विशेष रूप से डेल्टा वायरस की लहर के समय, जब अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि बड़े शहरों में रहने के नुकसान ज़्यादा हैं। सामान्य दिनों में लंबा ट्रैफिक जाम, वायु गुणवत्ता की बदतर स्थिति, चरम मौसमी स्थितियां और व्यस्त व आक्रामक सामाजिक माहौल, ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बड़े शहरों से दूर कर रही हैं। कोविड काल के बाद प्रचलित मिश्रित कार्य संस्कृति का मतलब यह भी है कि जो लोग खर्च उठाने में सक्षम हैं, वे तेजी से स्थानांतरित हो रहे हैं। चाहे राजमार्गों का विकास हो या उड़ान योजना, पिछले 10 वर्षों में बड़ी कनेक्टिविटी ने भारत को आपस में अधिक जोड़ा है। इसके साथ ही इंटरनेट ने भी दूरियां कम की हैं और यह सब इतनी तेजी से बदला है कि हैरानी होती है। एक दशक पहले जब मैं टीवी बहस में शामिल होती थी, तो कैमरामैन, लाइटमैन और साउंडमैन के साथ एक बड़ी ओवी वैन आती थी। वे लोग मेरे घर में लाइट और कैमरा लगाते थे, मुझे लाइव टीवी स्टूडियो से जोड़ते थे। आज मैं चाहे दुनिया में कहीं भी रहूं, जूम के माध्यम से टीवी बहस में शामिल हो सकती हूँ। यह एक कैसा बदलाव है जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। अस्तित्व के संकट और परिस्थितिवश मजबूरी में लोग बड़े शहरों में रहने के लिए बाध्य होते थे, लेकिन अब कई लोग ऐसी बाध्यता महसूस नहीं करते हैं। देहरादून में मेरे अपार्टमेंट में एक नई बात यह है कि यहाँ बहुत से वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन 30 से 40 की उम्र के लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो बड़े से छोटे शहरों में शहरी परिप्रेक्ष्य लेकर आई है और साथ ही संतोष की हवा भी थी। भारत में हुए तीव्र विकास से उन लोगों के लिए छोटे शहरों में रहना आसान हो गया है जो बड़े शहरों में रहने के आदी हैं।
साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। जीवन शैली में बदलाव अब इतना कठोर नहीं रह गया है जितना पहले माना जाता था। असल में जीवन यापन की लागत सस्ती हो गई है और पैसे के लिहाज से अचल संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है। शिक्षा के प्रचुर अवसर हैं और सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।